वीडियो में मैं बताने वाला हूँ BS6 सुजुकी एक्सेस का स्पीडोमीटर ना चले तो क्या करना पड़ेगा चेक। एज पर BS4 और BS6 बहुत डिफरेंट है। पहले BS4 गाड़ियों में आगे स्पीडोमीटर घेर दिया जाता था फ्रंट व्हील में, बट ये फ्रंट व्हील में कुछ नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये BS6 वाली वेरिएंट है, तो इसको बैक व्हील से सेंस करके स्पीडोमीटर चलता है। तो आइए आपको बताता हूँ बैक व्हील में सेंसर कहाँ लगा है। तो ये गियर बॉक्स की तरफ लगा है। तो कैसे करेंगे चेक, कितने वायरिंग है, कौन मेन है, कौन सा अर्थिंग है, सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z डिटेल, अगर स्पीडोमीटर ना चले या स्पीडोमीटर का फॉल्ट है या सेंसर का फॉल्ट है। तो आइए करते हैं चेक। स्पीडोमीटर सेंसर का सॉकेट, तो आइए करते हैं। और ये सॉकेट में है 3 वायर। तो सबसे पहले है पिंक कलर जो बैटरी की तरफ से आया है 12 वोल्टेज का करंट, और दूसरा है पर्पल कलर का जो मीटर का मेन वायर मीटर की तरफ से मेन आया है 12 वोल्टेज का, और तीसरा है अर्थिंग वायर ब्लैक और वाइट। आइए करते हैं मल्टीमीटर से उसकी टेस्टिंग और जानते हैं कोई फॉल्ट तो नहीं है, वायरिंग तो नहीं कहीं से कटा है। तो आइए करते हैं मल्टीमीटर सेट 20 वोल्टेज पे। चालू करते हैं। तो फ्रेंड एकदम लाइव प्रूफ है 11.50-60। ये इसका मतलब ये है कि बैटरी के तरफ से आने वाला इनपुट वोल्टेज प्रॉपर है। तो आइए चेक करते हैं नेक्स्ट पर्पल कलर वाला वायर जो मीटर के तरफ से मेन आया है, उसमें भी 12 वोल्टेज का करंट आएगा, 9 से 12 वोल्टेज का करंट आएगा। तो आइए करते हैं उससे चेक। तो फ्रेंड ये पर्पल कलर का वायर है, तो आइए करते हैं चेक उसको पर्पल कलर के वायर को। तो 11.93 का, इससे मतलब ये पता चलता है कि इनपुट वोल्टेज आने वाला मीटर से प्रॉपर है। तो चाहिए होगा, इसीलिए मैंने फ्रंट हेडलाइट भी खोल चुके हैं हमने। और ये देखो ये पर्पल कलर का वायर है जो स्पीडोमीटर के लिए मेन वायर काम करता है। तो आइए करते हैं कंटिन्यूटी चेक, कहीं से वायर तो नहीं ब्रेक है। फ्रेंड्स आइए करते हैं चेक कंटिन्यूटी मोड कंटिन्यूटी टेस्टर से कि पर्पल वाला वायर कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं है। लाइट जल रहा है कंटिन्यूटी टेस्टर का, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं से वायर ब्रेक नहीं है। तो थर्ड वायरिंग टेस्ट करेंगे। तो ये वाइट और ब्लैक वाला वायर है वो अर्थिंग के लिए काम करता है स्पीडोमीटर में। तो आइए चेक करते हैं, मेन वायर को टच करेंगे और लाइव प्रूफ है, इससे ये पता चलता है कि बीप बज रहा है तो वायरिंग कहीं से कट नहीं हुआ है। और मीटर दोनों में से ये जानना है कि क्या चीज़ खराब है। तो बैटरी का जो मेन वायर आ रहा है पिंक कलर का और उसका उसको और दूसरा ये ब्लैक और वाइट वायर है उसको डायरेक्ट करके देख। तो फ्रेंड्स अभी कर लिए हमने डायरेक्ट, आइए चेक करते हैं मीटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। थोड़ा हिला कर,